अलैकुम वेलकम टू सिंकसम पॉडकास्ट आज जो हमारी पॉडकास्ट है इसकी जो गेस्ट हैं वो हैं मेहरब मुई जवान बहुत जलील हुआ मैं लेकिन फाइनली पार्ट टू आ गया है और देखें मेरा नाम है यो बिलान कैसे हैं आप

सेल्फ इमेज माइड नाट कोइनसाइड विद जो पब्लिक आपसे चाह रही है hmm. ज़ात का जो आपका तस्वर है और जो अवाम hmm. का तस्वर है जो वो चाह रही है कि आप ऐसे हों मतलब hmm. तो हम आपकी बात सुनेंगे हो सकते हैं उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा तजाद हो hmm. तो उसके बाद मेरे ख्याल से फिर एक शक् व शुबे का और एक डाउट का एक अमल एक स्टार्ट होता है एंड वट सैड अबाउट इट इज़ कि हम भी ना आवाम को अक्सर समझते हैं कि आवाम एक होती है उसकी एक तरह की सोच होती है तो हम जब कहते हैं कि आवाम मुझसे यह चाहती है ये हम गलत सोच रहे होते हैं ये मैंने सबक सीखा कि आवाम एक तरह की नहीं होती आवाम मुखलिफ तरहों की होती है मगर वो डिफरेंट टाइम्स पे अपना सर उठाती है पॉलिटिक्स के अंदर सो इनिशियल बैक क्लास जब आपको मिलता है तो वहाँ आपको बिल्कुल बेयर बोन्स और रॉ जो गटर माइंडेड थिंकिंग है वोट के सामने आएगी तो फिर तो आपको अगर उस आवाम के मुताबिक बना तो आपको चूहा बनना पड़ेगा ना उनकी तरह का गटर वालों का लेकिन अगर जरा सब्र तहमल का आप मुज़ाह करें और जंग अपनी जारी रखें तो फिर आपके पास लोग जब उनसे थकते हैं तो वो खुद ही उनकी तरफ मुड़ते हैं और उनको याद कराना शुरू करते हैं कि जी आपकी हकीकत क्या तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आते हैं फिर और लोग आते हैं जरा क्यूरियस होते हैं स्टेज थ्री पे कि अभी जेनविनली कन्फ्यूज काफी दिनों से चीज़ सुन रही है हमें ये शक व शुभहा है हमने तो सुना है कि मर्द और मर्द की शादी हो रही है औरत की शादी हो रही है पाकिस्तान में कि गे मैरिज का बिल पास हो गया तो ये हुआ है तो फिर वो क्यूरियोसिटी वाले आते हैं तो ये से डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लेयर्स आती हैं लोगों की एंड इट्स है फन वॉचिंग दैट एंडालाइजिंग उसके बीच में होते हुए यार इतना ना आप इतना कुछ कर रही होती हैं काफ़ी कुछ कर रही होती हैं आप एक सोशल लाइफ भी आपकी फिर एक एक्टिविज्म वाली भी है अब टी वी अपेयरेंस वाली भी है फिर mm. एक आपकी अपनी भी जिंदगी है तो ये मैं अक्सर सोचता हूँ मैंने पूछा नहीं पहले आपसे ये कभी लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है टू कीप अप विद दिस बिकॉज अब लाइफ भी आ रही है फलह भी हो रहा है डुमकॉँ भी हो रहा है सारा mm. कुछ भी चल रहा है कुछ बहुत बड़ा भी हो गया है तो भी आप आ रही हैं लाइव और ये सारा कुछ तो काफ़ी क्रेजी है अब उसके बीच में जब टीवी एंटर होता है तो कितना बड़ा फर्क है टीवी के एंटर होने का एक तो पॉलिटिक्स होगी एक है अब टीवी है तो वो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा या फिर सेम था डील करना टी से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा टी से ज़्यादा फर्क पड़ा है उससे भी ज़्यादा जो बड़ा मीडिया है पाकिस्तान के अंदर वो तो आपके माँ बाप के व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर क्या चीज़ जा रही है और किस तरीके से जा रही है एडिट होके राइट वो जो एक दो वीडियोस जाती होती हैं मेन तो पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सोर्स हुआ है अब कोविड के ज़माने में तो हमने एक रिसर्च की थी उससे तो भी हमें पता चला था कि पीपल हैव लिटरली रिलाइंग ऑन है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स कि जी उस ग्रुप के अंदर हमने ये पढ़ा कि ताबूत भी नहीं खोलने दिया नहीं। नहीं। फिर के अंदर से जिगरा चुरा लिया था और गुर्दे चुरा लिए थे तो कोविड तो शोविड कोई भी नहीं है असल में इनके ऑर्गन्स चुरा के बेच रहे हैं और ये काफ़ी देर तक हमने तो मल्टीपल डिस इन्फॉर्मेशन की स्ट्रीक्स को देखा था तो नाउ बीइंग एट द सेंटर ऑफ इट कि आप ही के बारे में डिसनफार्मेशन है जो कि सर्कुलेट करिए सो वो दैट वॉज अ वेरी ऑर्ड एक्सपीरियंस उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई और पहले वो आप सोच रहे होते हो कि अच्छा ठीक है फिर आपको भी फेयर एंड स्क्वेर प्ले करना आपने हमेशा अपना सुना होता है बिकॉज डिस इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग लेकिन अगर गेम ही वो है अगर सियासत ही वो है तो क्या फिर आपको भी वो करनी पड़ेगी कि नहीं तो ये बहुत कुछ एथिकल कॉम्प्रोमाइजिंग के क्वेश्चन आते हैं इखलाकियात के आपके अपनी अखलाकियात के हर इंसान का अपना एक एथिकल पैरामीटर होता है ना आपने बिल्कुल एग्जैक्टली तो उसमें क्या करेंगे अगर हकीकत को ही झूठ बना के पेश किया जा रहा है तो फिर आप भी का झूठ पेश करें इस तरीके से कि उसको आपकी तरह की हकीकत में कन्वर्ट किया जाए और ये ऊट पटांग किस्म इस तरह की हरकतें क्योंकि हर तरफ यही चल रही होती है बिकॉज वी डू लिव इन अ पोस्ट ट्रूथ एरा सच क्या है अब सच सच नहीं रहा मुख्तलिफ सच एक तरफ होते हैं एक तरफ आवाम के लिए यह सच है कि इस बिल के ज़रिए गे मैरिज लीगल हो गई है एक तरफ आवाम के लिए यह सच है कि जी ये तो खुसरे होते ही सारे

तो फिर उसको गुस्सा भी आएगा वो तंग भी होगा थैंक यू थैंक यूं तो लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस ख्वाजा सरार लोगों के साथ क्या है वो भी उसी किस्म का है तो खास खसूसी तौर पर अर्बन लोगों का तो वो भी तो निकल के सामने आएगा मैं क्या मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि आप ट्रांसफॉर्बिक हैं बिकॉज अगर मैं उनको उनकी कि वो ट्रांसफॉर्बिक हैं तो ये भी सच है लेकिन ये भी सच है कि उनकी जो अपनी एक्सपीरियंशियल रियालिटी है एक्सपीरियंसड इज़ वेरी सो so, आप इन मल्टीपल ट्रूथ्स के बीच में फिर आप ऑपरेट कर रहे होते हो मल्टीपल मुख्तलिफ़ीकतों के बीच में आप एक होती हो और एक आपकी अपनी एक हकीकत होती है और हर चीज़ के ऊपर आपकी निगाह है लेकिन आपने कुछ साइड पिक करनी है बिकॉज आप ये जंग है अब ये लाइन ड्रा कर दी गई है आपके ऊपर फायरिंग कर दी गई है हर तरह की हर तरह की एक्सेशन हर तरह की वीडियोज़ आपने देखा होगा सब्सक्राइबर्स ने भी हज़ार हज़ार दो दो हज़ार सब्सक्राइबर सिर्फ मेरे ऊपर वीडियोज बना बना के निकाले काफ़ी ज़्यादा तो यानी कि आप एक वो बन गए हो योसिटी नाउ Hmm. तो साइमल्टेनियसली बींग अवेयर ऑफ इट एंड ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू योर ट्रूथ क्या आपको जानकारी भी है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है hmm. लेकिन hmm. आप अपनी हकीकत को फिर जोर से पकड़ना भी चाहते हैं hmm. खसूस तौर पर एक ऐसे टाइम पे जब आपकी हकीकत तब्दील हो रही है इट हैज न्यू सराउंड वेरी कन्फ्यूजिंग और कोई नहीं है हमारे लिए बेंचमार्क मुझे आप निकाल के दिखा दें कोई ट्रांस पब्लिक फिगर अब मुस्लिम पाकिस्तानी इंडिजिनस ट्रांसफिगर है ना फिल्म है ना लिटरेचर है ना कोई ऐसी चीज़ है कुछ नहीं है जैसे आप लुकअप कर सको और सीख सको कि यार पास्ट में ऐसे कुछ हुआ था तो ऐसे होता है ये बहुत लेयर्स पे नया नया है बहुत ज़्यादा लेयर्स पे बहुत ज़्यादा और इन कुछ ऐसी लेयर्स हैं कि यहाँ पे तमाम नज़ले माशरे के आके फिर जुड़ते भी हैं ना अगर आप ख्वाजा सरा के ऊपर अगर आओ तो जनानगी इधर है ठीक है जेंडर ट्रांसक्रेशन क्या आपके जिनसे जो तो थी आपने वो तो पूरी नहीं की वो इधर है तोलीदी मजदूरी यानी कि बच्चे पैदा करने की जो मज़दूरी का एक सिस्टम है हमारे माशरे का उसमें फ़िट ना होने की वजह से या उसमें फ़ेल होने की वजह से वो वाला नज़ला इधर है गरीब आप हैं तो क्लास की वायलेंस भी इधर आ गई गरीब शहर के अंदर रहते हैं तो पुलिस क्रिमिनाइजेशन की वायलेंस आपके ऊपर आ गई सेक्स वर्क आ गया डांस आ गया उसकी वजह से और ऊपर से मोलाइत है शत है सूफी हैं Mm -hmm. वो वाला भी आ गया रिलीजियस ऑपरेशन तो तमाम ऑपरेशन तो आके ख्वाजा सराह की बॉडी के ऊपर और ख्वाजा सरा सिस्टम के ऊपर इनैक्ट होते हैं mm -hmm. तो फिर तो हर किसी के पास ख्वाजा सराव एक ऑब्जेक्ट बन बन सकता है जिसके ऊपर वो अपनी मर्जी का नजला गिरा ले कि जी ये नाचते क्यों हैं ये भीख क्यों मांगते हैं ये तो होते ही सारे सेक्स वर्क कर रहे हैं ये तो लड़के mm -hmm. हैं जो कि सेक्स की खातिर लड़कियां बने हुए हैं हर तरह की चीज़ ये तो लूती हैं ये तो ये हैं तो वो हैं इस्लाम ये वेस्ट का एजेंडा वेस्ट से लेकर लोकल तक हर किस्म का जो बायस है हर किस्म का स्टेट्यू निकल के सामने आएगा

कॉलोनाइज़ किया था ठीक है मगर वो एड दिए जा रही हैं, तो फिर आप एड डिपेंडेंट हो जाते हो जब आपके मुल्क का सारा डेवलपमेंट बजट उसके ऊपर चल रहा हो तो वेस्ट के तो बड़े एजेंडे हैं मैं काफी शदत वाइट सुप्रामसी के खिलाफ बोलना पसंद करती हूँ लेकिन ये जेंडर बाइनरी को इन्फोर्स करना कि सिर्फ मर्द होते हैं और औरतें होती हैं और तीसरी जन्स कोई भी नहीं होती या कभी भी नहीं थी जाये लोग थे ये बच्चों को अगवा करके काटा करते थे इस कस्म की सारी बातें इंडिजनस राइट्स कुछ भी नहीं होती सिर्फ पैन इस्लामिक राइट्स होती हैं सलाफी राइट्स होती हैं या आटा इस तरह की जितनी भी सारी बातें लोग कर रहे हैं ये भी तो वेस्ट का ही एजेंडा है ना मगरब भी अरब भी हमसे मग़रब में ही हैं और इसके अलावा ये सारी की सारी जो लॉजिक्स हैं जो तैयार की गई हैं जेंडर के ऊपर ये तो नेटिव्स के खिलाफ तैयार की थी कलोनियलिस्ट ने उन्होंने कहा था कि ये बारबेरियन है जाहिल हैं इनकी औरतें भी जंगजू हैं इनके अंदर सेक्स डिफ्रेंसीेशन नहीं है हमारे अंदर सेक्स डिफ्रेंसीशन बहुत ज़्यादा है तो बाद में जो हमारे फिटू हैं जो उन्होंने इस्लाम का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ना लेकिन उन्होंने गोरे की तरह भी बनना है तो वो दाढ़ी तो रख लेंगे लेकिन सर पे पी कैप पहन लेंगे टी शर्ट पहन लेंगे बाजू बांध के ब्लैक एडिटिंग करके तस्वीर अपनी खिंचवा लेंगे और सेक्स डिफ्रेंसीेशन की बात करेंगे और रिप्रोडक्टिव रोल बाइंडिंग की बात करेंगे बात वो भी वही कर रहे हैं लेकिन अब वो वाइट प्रीचर वाइट कलोनियल नहीं कर रहा अब वो आपका बैठा हुआ ब्राउन कलोनियल कर रहा है इस्लाम की मिसालें देखे आपको अपनी इंडिजनस कल्चर से दूर लेके जाने के लिए खुद रहता होगा डी की छः कनाल की या पाँच कनाल की कोठी के अंदर सो so, ये रोल्स चेंज हुए हैं वेस्ट का एजेंडा वहाँ पर ही है सुप्रेमसी का एजेंडा वहाँ पर ही है माशरे को स्ट्रेटिफाई करके माशरे की लेयर्स तैयार करना ताकि हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे

तो एक गेट कीपिंग होती है ठीक है अगर हम कॉन्सेप्ट की तरह गेट कीपिंग को देखें कि जी फलाना कोई भी एक बात छुपा लेता है किसी से वो तब का हो सकता है आपका घर हो सकता है कोई भी जगह हो सकती है <coughs> तो जो जिसको हम वाइट सुप्रीमसी कहते हैं जो ये एक बात और एक लफ्स है फिर इसके भी अब मल्टीपल निकल चुके हैं तो क्या ये एक एटीट्यूड नहीं है जो हर कोई करता है बिल्कुल मतलब सारे करता। एक बात तो पावर की ना जो भी आया उसने किया है तो

उसके अंदर मसला ये होता है कि लाइक जैसे एक टैग लग गया एक ये वाला ट्रांसजेंडर वाला टैग लगने का मेरा मतलब ये है कि इस वक्त तो सबसे हाईलाइटेड है ठीक है बट उससे हट के आप बहुत कुछ होते हो ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें हैं चलना है आना है जाना है दो ख़्वाब है पैसे कमाने हैं सारा कुछ करना है वो कितना इफेक्ट होता है इस सब में वही तो सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट होता है और वो हमेशा से इनविजिबल रहता है और एक सबसे बड़ा शिफ्ट रहा है मेरी पब्लिक मेल इमेज और एक पब्लिक ट्रांस इमेज के बीच में

मेरी क्लास की क्या कुछ स्ट्रगल्स रह चुकी हैं किसी किस्म की मैंने कितनी पहली तनख्वाह कितनी उठाई है चार हज़ार या दो हज़ार या तीन हज़ार और किस तरह से उठाई है क्या मैंने स्कूल की फ़ीस खुद अदा की है जब मैं घर से निकली और मैंने जाके इंडिपेंडेंटली एक दूसरे शहर के अंदर नौकरी करनी थी और रहना था तो वो घर ढूंढना और एक छोटे शहर से बड़े शहर के अंदर जाने की हकीकत एक रेशल माइनॉरिटी होना एक और प्रोवेंस के अंदर वो वाली सूरत हाल कैसी थी तो आपकी ये तमाम आइडेंटिटीज़ आपसे स्ट्रिप वे कर ली जाती हैं वो वाली आइडेंटिटी जो कि एक नफ़रत फरोश ग्रुप या एक माशरा टोटली मैं कहना चाहूँगी वो आपके ऊपर अनफ़ोर्स करना चाहता है वो आके आपके ऊपर अनफोर्स कर देता है एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलज़ के माशरे की इस एक्सरसाइज़ के जरिए माशरे की इस हरकत के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि एक माशरे की प्रायोरिटी क्या है और इस पूरी एक्सरसाइज के जरिए हमें यह समझ आई है कि पाकिस्तान माशरे की सबसे अजीम प्रायॉर्टी आपकी टाँगों के बीच में क्या मौजूद है यानि कि सेक्स है एवे नहीं हम गूगल की सर्च लिस्ट के ऊपर टॉप पर होते हैं एवेनी गली गली मोले मोले के अंदर पाँच पाँच रुपये की किताब चियाँ बिक्री

हैं हैं। हाँ। हाँ। एलिफेंट नहीं है एलिफेंट होता ही नहीं है लेकिन इतना बड़ा एलिफेंट है उसके आपके पास चलने की जगह ही नहीं है, आपने के जाना है। तो वी आर से हमें इस बात का अंदाजा हुआ ये तो है जितनी दिलचस्पी मेरी टांगों के बीच में दिखाई गई है और ये उससे पहले भी दिलचस्पी मुझे दिखाई गई थी यानी कि जब मैं मशहूर हुई थी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा मुझे भी मुझे तो यानी कि लड़कियां भी लाइनें कराती थी लेकिन उसमें मज़े भी लड़कियां भी कराती थी कि माशाल्लाह आपकी कितनी खूबसूरत आवाज़ है आप कितनी तो प्यारी बातें करते हैं मज़े भी लड़कियाँ तो हाँ वो फ़र्क की तरीक होती है लेकिन अगर हाँ। आप लेकिन अगर आप इसी जबान से अगर आप अल्लाह की भी तारीफ़ कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यानी कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं करते मगर इन्होंने अपने फंडे निकाले हुए हैं लाइनें कराने के अपने उन्होंने तरीके निकाले यार बड़े मतलब मुझे भी अभी थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि ना बड़े बहुत कमाल मतलब गुड गुड वेल थॉट या तो यही वाली बात मैं हमेशा से मुझे जो मैंने की भी है कि ये एक लाए है ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि माशरे ने कंस्ट्रक्ट किया कि लिबरल तबका या लेफ्ट का तबका या डी एच ए का तबका सेक्शुअल होता है वो सेक्स की बात करते हैं अमीर लोग और गरीब लोग नहीं करते या पेंडू लोग नहीं करते और मजहबी लोग नहीं करते सब कर रहे हैं अपने अपने तरीके से हर कोई अपने तरीके से किया जा रहा है तो जब आप उसकी बात कर रहे हो तब वो बात किस तरीके से की जा चाहिए ये हर तबका आके आपको डिक्टेट करेगा कि जी हम इस तरीके से बात करते हैं तो आप भी इस तरीके से बात करें करेंड हो सकते वरना हम हो जाएंगे चाहे आप अपने बारे बात में बात कर रहे हो हाँ बेशक आप अपने बारे में बात कर रहे हो और आप अपने बारे में बात क्यों नहीं कर सकते आप अपनी हकीकत क्यों नहीं बयान कर सकते हम कर सकते हैं अगर मैंने ये बात करनी है अगर मैंने अपनी कोई सेक्शुअल रियालिटी मैंने बयान करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि वो वाली बात उस वाली बात का मेरी जिंदगी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वज़न रहा है एक वेट रहा है उसने मेरी शख्सियत को शेप किया या मेरे सोचने समझने के तरीके को शेप किया तो ये मेरा हक है मैं ये बात कर सकती हूँ अगर आप एक वर्जिन है और आप अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो सो बिसमिल्ला आपको उस बात की भी इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि बात ना करके भी तो आप बात कर रहे हैं तो इनको बेसिकली सिर्फ हजैमन उसके ऊपर एक इस्टबलिश करना चाहती हैं ये जो तमाम तबके हैं और उसके अंदर ये तमाम आपकी रियलिटीज़ आपसे स्ट्रिप अवे कर ली जाती हैं बाकी रियलिटीज़ और एक सेक्शुअल रियलिटी को भी जब इम्पोज़ किया जाता है आपके ऊपर आपकी जिन्सी हकीकत को आपकी जिन्स पे की गई गुफ्तगू को तो उसके अंदर तमाम जो लेयर्स थी रेस की या माइग्रेशन की या क्लास की एंगजाइटी की वो तमाम को निकाल दिया जाता है और सिर्फ एक ऊपर लेकर आते हैं जॉय हर वो टाइम जब आपने खुशी एक्सप्रेस की जब आपने हस के बात की सेक्स के करते हुए तो उसको बोलेंगे देखो ये कितना गंदा इंसान है हाँ ये तो हमारा है ना कि मजा और शेम प्लेयर और शेम का जो हमने ताल्लुक बनाया हुआ अच्छा बनाया हुआ है कि जो मज़े ले रहा उसको आप दिलाते हो। है तो वो खुद ओपनली तो बातें कर नहीं सकते नहीं कर सकते तो वो बाई शेमिंग एंड क्रिटिकिंग जो भी उनको कहीं पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो वो अपना मंजन बेचते हैं वो अपना एक अपना एक प्लेटफॉर्म इस्ट करते हैं कि जी दिस इज़ बैड इफ दिस इज़ बैड एवरी थिंग बट इज़ गुड तो एवरी थिंग बट फिर क्या हुई वो शेम हुई वो नेगेटिविटी हुई तो वो दर्द हुआ वो अजाब हुआ और वो पर्दों के पीछे जो कुछ होते हैं और पर्दों के पीछे जो कुछ होता है उसकी बात ये करते हैं उसकी बात करने का अधिकार और हक सिर्फ इनको है क्योंकि खुदा ने इनको इजाजत दी है क्योंकि खुदा सिर्फ इनका है खुदा के ऊपर जारेदारी हम तो जहनम है ना इनको रात को फोन कॉल आती है ऊपर सातवें आसमान से जो कि इनको बताती है बकोल के सो so ये जो खुदा बनने का शौक है ना लोगों को मॉरल गॉड्स बनने का मोरल तो। सुप्रीमोज बनने का वो इसलिए है जैसे आपने पहले कंपटीशन की बात की थी कि ये तमाम लोग जंग करके जो जीतना भी चाहते हैं तो वो जंग किसी दूसरे इंसान की सोच जिसम ख्याल सकाफत के ऊपर होगी वो कभी भी अपने ऊपर नहीं होगी दे कांट वो कर ही नहीं सकते नफ्स के कंट्रोल की बात तो करेंगे लेकिन नफ्स के कंट्रोल की बात और लोगों को करेंगे दावत के जरिए दावत कर रहे हैं हम लोग दावा हो रहा है कभी खुद के ऊपर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अगर की है तो उसका जिक्र खुल के नहीं करेंगे क्योंकि है पर्दा भी करना। तो करना है उससे में नजर आता है कि इन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किए वो जो लड़ाई जिस नफ्स से हम सबको लड़ाना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि आप इस नफ्स को कंट्रोल करो वो तो कभी इन्होंने खुद की नहीं है और वो लोग जिन्होंने की है जो उस अमल में से गुजरे हैं ज़ाहिर उस अमल में से गुजरिया तो उन्होंने कंट्रोल सीखा है बाय डिफॉल्ट तो कोई भी नहीं था तो ये उस अमल को चुप कराना चाहते हैं क्योंकि खुद उसमें से नहीं गुजरे आ, हमारी बुक्स में भी तो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर आप बुक्स बहुत अच्छी होती है मुझे पसंद है नथिंग नंगेज बुक्स लेकिन वो तो पॉइंट तो ये है ना किताब एंड में तो बेसिकली तो ख्याल होता है ना किसी ने लिख दिया था वो कैसे भी लिखा जा सकता है तो जैसे हर जैसे हर तरह का इंसान है वैसे हर तरह की किताब है जैसे हर तरह के इंसान की वेरिएशन है वैसे फिर उन किताबों की आगे वेरिएशन है कोई कुछ लिख देता है कुछ लिख देता है

मगर ये तीसरी जिन्स का या ट्रांस का होना क्या होना है अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जेंडर पे और ख्वाजा सरा लिखा गया तो जो तीसरी विजुअल आइडेंटिटी है वो क्या इस्टेब्लिश होगी मैन के साथ तो हमने इंटरेक्ट किया है विमेन के साथ भी हमने इंटरेक्ट किया है अब अभी हमें ट्रांस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो विजुअल आइडेंटिटी क्या है अभी भी अब ख्वाजा सरा जा कर लिखे पाकिस्तान ट्रांसजेंडर लिखे एंटर बदबाए ना तो हमारी सब प्रोटेस्ट की तस्वीरें होंगी भीख मांगने की तस्वीरें होंगी कुछ मेकअप करने की तस्वीरें होंगी खजा सरा किसी गांव के अंदर भैंस का दूध धोरा रहा है आपको नजर नहीं आएगा किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए नजर नहीं आएगा किसी मरीज़ का इलाज करते हुए नज़र नहीं आएगा तो पॉइंट ये कि रिलेटिबिलिटी बनेगी जब आप अब इस आइडेंटिटी से हटके को मसला ही नहीं दिखाएंगे खाना पीना बेसिक चीजें जो है वहाँ जब तक कोई बंदा वो चीज़ नहीं देखेगा काम करते नहीं देखेगा वो रिलेट कैसे करेगा वो तो बंदे की बात होगी लेकिन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ ट्रांस पर्सन जो कि विजुअल कंटेंट क्रिएटर है जो कि एक मौजूद है मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपने क्या मरदान परफॉर्म करनी है यानी कि मरदाना लिबास पहनना है ताकि लोग बोलें कि देखो है तो ट्रांस या इंटरसेक्स लेकिन फिर भी माशा देखो ड्रेसिंग अपनी अच्छी रखी हुई है या वो आपसे जनान की एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज अगर आपने वो वाला लिबास पहने तो बोलेंगे ये कैसा खुसरा है

मैं उस फेम मेरे लिए बहुत सी चीज़ें फैमिलिन फैमिलिन या मैस्कुलिन होती नहीं है लेकिन अगर आपने कहना है कि जी ख्वाजा सरा औरतें जो हैं ये एक अच्छी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ना बन सकती हैं तो वो जो कंटेम्प्रेरी जनानगी है जो माशरती जनानगी है जो औरतों से एक्सपेक्ट की जाती है मैं तो उससे बिल्कुल ही पूरा नहीं उतरती मेरे तो टैटूज भी हैं मेरे तो पियर सिंग्स हैं मेरे बाल छोटे हैं मैं हेवी बाइक चलाती हूँ मैं सिगरेट पीती हूँ मैं नशे करती हूँ मैं अपनी पास्ट एडिक्शंस की खुल के बात करती हूँ मैं जिक्र करती हूँ कैसे निकली मैं उन सेक्शुअल एक्सपीरियंसिस का जिक्र भी करती हूँ जो मेरी कंसेंट के साथ है जिनको मैंने एंजॉय किया और मैं बेशतर उनका भी जिक्र करती हूँ जो मैंने एंजॉय नहीं किया मैं एक टोटल सेक्सुअल बीइंग भी नहीं हूँ मैं ए सेक्शुअलिटी का भी जिक्र करती हूँ मैं कहती हूँ कि वो मोहब्बत मोहब्बत क्यों नहीं है अगर उसके अंदर जसमानी ताल्लुक ना हो तो वो जिम्मेदारी क्यों बना दी जाती है कि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो उसका मतलब है कि मेरा जसम तुम्हारा या मेरे जस्म तुम्हारी किसी तरीके से हाकमी है वो निकाह के जरिए हो या वो किसी और चीज़ के जरिए हो मॉडर्न डेटिंग के अंदर ही क्यों ना हो हाँ। मैं डेट पे भी किसी के साथ जाऊँ तो मुझसे क्यों या एक्सपेक्टेशन है कि मैंने उसके बाद मेकिंग क्योंकि कुछ करना है या मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। मैं तो उस पर भी बात करती हूँ तो ये तमाम बातें करने की बातें हैं मेरे नजदीक जो हाँ। मेरी बातें हैं क्योंकि लिविंग रियलिटी है लेकिन इन तमाम बातों को हम किसी भी मर्दानगी की या जनानगी की पाकिस्तानी या ग्लोबल बैन अवी तारीफ के अंदर नहीं डाल सकते तो बाय डिजाइन मेरी गुफ्तगु के जरिए और मेरे वलियह के जरिए मेरी बातचीत के जरिए और मेरा ये कह देना ओपनली कि मैं ट्रांस वो तमाम चीज़ें इस बाइंदरी में से टूट के बाहर आ जाती हैं तो अब उसको कहाँ प्लेस किया जाए फिर गेट कीपिंग शुरू होगी वहाँ पे औरतें बोलेंगे कि नहीं तो ये किस तरह की होगी तो हम इसको इंक्लूड करेंगे मर्द बोलेंगे ये किस तरह का होगा तो हम इसको इंक्लूड करेंगे और अब तो बात उससे भी आगे जा चुकी है ये किस तरह का होगा कि हम इसको इंसानियत के काबिल समझेंगे कि हम इसको सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करें वॉट डज दिस पर्सन नीड टू लुक लाइक एक्ट लाइक बिहेव लाइक नो बॉडी नोज देर इज़ नो बेंचमार्क एनहेंस एवरी बॉडीमेंटिंग और सबके जहन में लेकिन एक पक्का इमेज बना हुआ है संभव और वो इमेज जो वो है वो एजुकेशन से बनाया लिखने पढ़ने से बनाया और एजुकेशन एक तो स्कूल होती है एक घर होता है एक बाहर होता है तो अगर हम यहाँ से इसको इस तरह देखें कि मैंने अगर कुछ भी सीखा था अगर मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ बाकी सब उठा के तो आप छोटे होते हो आप बड़े होते हो आप पहली बार लफ्ज़ सुनते हो कहीं पर घर में सुनते हो या कहीं बाहर सुनते हो ठीक है वो लफ्ज़ आपको इंट्रोड्यूस कराता है किसी चीज़ से या किसी कॉन्सेप्ट से ठीक है फिलहाल हम बात करते हैं वो ये कॉन्सेप्ट है मैंने एक लफ्स सुना कहीं अपने अम्मी अबू से या दोस्तों से या कहीं मोहल्ले में या आप लफ्ज़ सुनते हो अब आप क्यूरियस हो गए क्या है ये मुझे नहीं पता ये मेरे घर नहीं होता ये जो तो चीज़ है ना ये मैं घर में भी नहीं है ना कोई मेरा कज़न ऐसा है ना मेरे स्कूल में कोई ऐसा है लेकिन ये कुछ चीज़ है जो होते हैं अब आपको एक कहानी सुनाई जाती है ठीक है कि ये ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं फला होते हैं दिस इज़ हाउ मैं तो ऐसे ही बढ़ा हुआ था सच बोलूँगा ठीक है फिर आप बड़े हो के अगर कुछ सोचने लग जाओ कभी तो फिर आप एक दिन बैठ कर सोचते हो कि यार अगर मैं नहीं चाहूँगा ये मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है करने की अगर मुझे तो आप पहली बार लाइक मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कभी ऐसी ख्वाहिश हुई तो फिर आप बनेगा क्या लाइक वो सिर्फ ये सोच के जो मेरी फटी थी जस्ट ये सोच के कि इफ़ आई एवर गेट दिस विश तो मैं अपने साथ क्या करूँगा तो फिर उससे मुझे ये थोड़ा अंदाजा हुआ कि यार ये मतलब कुछ तो है क्या लेकिन आप बड़े हो रहे हो ना लाइक मैट्रिक में फैला हुआ डमका आप आप चलते गए अब मसला ये होता है कि आपने ये सीखा तो स्कूल से है छेड़ना गंदी बातें करना और और जो कुछ हम बॉयज स्कूल में आप सीखते हो आप सीखते हो ठीक है मैं खुद स्कूल पढ़ी हुई सही है आप ठीक है, है।, है। वहाँ जो आपकी शनिंग होती है जो शेमिंग होती है और फिर जो आप भी करते हो मैंने तो की है करवाई भी है और की भी है और फिर आपको लड़ना पड़ता है फिर यारियाँ बनती हैं फिर एक बड़ा भाई होता है फिर एक ये होता है फिर फिलहाल आपके पूरे पूरे ट्रोप हैं वहाँ पे माँ भी ऐसे चल रहे होते हैं तो एजुकेशन जो है हमारी मुझे तो काफ़ी बेकार सिस्टम लगता है मतलब अगर hmm. मेरा बच्चा हो कभी मैं वैसे मेरे को प्लान है नहीं लेकिन अगर कभी ऐसा होता और उसको ये कहना पड़ता कि यार <laughs> मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मे आई गो टू बाथरूम मतलब मैं शर्म से मर जाता मतलब दिस इज़ वेरी स्क्रूड अप मैं अब जाके बचपन में सोचता हूँ ये बहुत अजीब बात है कि आपको पूछना पड़ रहा है बाथरूम जाने के लिए और पानी पीने के लिए मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं होता लेकिन हम सबकी कंगिया है फरक है जोमेट्री बॉक्स फर्क है लेकिन हम कपड़े सेम पहनने से आप कपड़े भी सेम नहीं है किसी पे नील ज्यादा लगा हुआ है किसी के पे नील कम लगा हुआ है किसी का दब्बा दुलावा नहीं है किसी के कपड़े जरा से पीले हैं किसी के फटेल में हाँ बिल्कुल वो है तो क्लास तो बड़ी विजिबल है वहाँ पे

और हमारी यूनिवर्सिटी के प्रॉफिट्स में से कुछ डोनेशन जाती हैं उन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई करते हैं तो हमारे स्कूल के अंदर एक प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सीजन डिजिस्ट की कि आपने वो डीफंड करें कि हमारी यूनिवर्सिटी का पैसा जो है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पैसों से जा रहा है हमारी स्कॉलरशिप मनी से जा रहा है तो इससे इसराइली मिलिट्री को फ़ायदा नहीं होना चाहिए अब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हम लोगों ने जब की तो तब मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ओ डैम ये जो एंटी पैलेस्टाइन है फ्रो इजराइल लॉबी है ये कितनी स्ट्रांग होती है यानी कि जिस तरीके से हमारा शट डाउन हुआ जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी के जो कैजुअल पेजेस थे उनके ऊपर hmm. तस्वीरों तो के साथ एंटाइसेमाइट एंटाइसम को लगा लगा के लिखा गया और क्लासों That's में जिस तरीके से हमारी ओपिनियंस की स्क्रूटनी हुई पहले तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आपका ओपिनियन है आप तो पाकिस्तानी हो ऊपर से आप खुश रहे हो पाकिस्तानी तो आप तो यानी कि हाउ डू यू इवन हैव अ वॉइस लेट ए लर्न एन ओपिनियन अमरीकियों का तो ये तासर होता है और आप उनके सबसे कि तुम लोगों का ना कल्चर ना सका तुम लोगों को लोग भी नहीं पता तो तुम जब अमरीका के बाहर की जोग्रफी जुरा, पूछो तुम्हें वो भी नहीं आती होगी तो लाइक हमारे एंड से मेरे एंड से ये एटीच्यूड था, था कि ये लाइक हाउ कैन यू इवन हैव दैट एटीट्यूड विद मी लाइक आई कंसिडर यू कल्चरली इन्फीरियर एज अ वाइट पर्सन एंड एज एन अमेरिकन टू मी एज अ पाकिस्तानी लाइक आई हैव ऑफ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो कि तुम लोगों के पास नहीं है सो दैट वॉज द ओनली ऑडिटी जेंडर के ऊपर इतनी नहीं थी इंटरेस्टिंगली हालांकि अच्छा। होनी चाहिए थी वाइट कल्चर है अमेरिका एटसेट्रा लेकिन नहीं थी इतनी ज्यादा समाओ नहीं थी बिकॉज ओके okay, पाकिस्तानी हैं अब्रॉड से आए हैं तो क्या कानों में पहना हुआ है क्या गले में पहना हुआ है क्या रंग पहने हुए हैं ओके मे बी इट्स जस्ट देयर कल्चर वो बात उसमें हो जाती थी बाकी तो मेरा स्कूलिंग का बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस था बिकॉज स्कूल में सबसे पहली दफा तो आपको एहसास दिलाया जाता है ना कि आपने इस जेंडर के अंदर होना है शुड और वो इतना टेरेबल एक्सपीरियंस आपका होता है स्कूल के अंदर बुलियन को लेके और शेम को लेके और बॉयज़ वर्सेस वर्स गर्ल्स को लेके और आपके किधर बैठ रहे हो और आप कैसा महसूस कर रहे हो कि आपके सबसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस स्कूल के होते हैं जैसे आर्ट्स की क्लास होगी या वो एक अच्छी मिस जो कि आपको समझती हैं जो कि आपको अपने एक ऑफिस का बाथरूम इस्तेमाल करा देती हैं बिकॉज आप तो नहीं जा सकते लड़कों के बाथरूम में लड़कियों के बाथरूम की बातें मिस के साथ तो एक बेंच आपका बन जाता है तो मैं कभी बार ये सोचती हूँ अगर वो तशद ना होता तो क्या ये चीज़ बेंच बनती जिसको हम अच्छाई कह रहे हैं

सो so, जहाँ पे वो नहीं किया जा रहा वो चीज़ आपको ज़रा सी पॉजिटिव लगने लगती है अगर ज़रा सा जब आपको मौका मिलता है फिर आप फटते हो आप हुँ. रेबेल करते हो हुँ. तो मेरे तो ख्याल से स्कूलिंग ने मॉडर्न स्कूलिंग जो हमारा सिस्टम है जिस तरीके से यूनिफॉर्म वाला वो डिसप्लिनेरियन वाला जो बेसिकली चलता है तो उसने डिसिप्लिन सिखाने से ज़्यादा मेरे ख्याल से फियर थ्रू ऑर्डर इनकल्केट किया लोगों के अंदर खौफ इनकल्केट किया और इसीलिए खौफ के आगे फिर क्या है और खौफ के आगे जीत है माउंटन ड्यू नहीं हमें सिखाया तो आप लोग या खौफ ज्यादा लोगों में डिवाइड हो जाते हैं जो एक बड़ा तबका है और एक थोड़े से हैं जो कि नडर है ठीक है जो कि जीत के लिए जो कि विक्ट्री के लिए आगे निकले हुए हैं सो कितनी so, अफसोसनाक बात है कितनी अफसोसनाक बात है कि जब आपने खुद को लिबरेट भी किया तो कॉम्पटिशन के जुमरे के अंदर आप विक्टर हो गए यू बीट अ सिस्टम इट्स नेवर अबाउट इनवर्स पीस इट्स नेवर अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ नहीं ये मैं हूँ ये मेरी जात है तो अगर माशरे के अंदर अगर ये डिसप्लिनरियन एटीट्यूड्स ना होते ये जो कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें दिए गए हैं वरना आप हमारी तकशीला की यूनिवर्सिटी देखें टैक्सला की के आप एनशियन डायलक्स देखें जो हमारा ईस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो ये तो नहीं था वो तो दूर दराज आप चले जाते हो उसके अंदर आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते आप सब पढ़ते हो काफी सारी शारदा थी नालंदा थी सब जगह पर और आप सब पढ़ते हो और आप ढूंढते हो और आप खुद को तलाश करते हो और आप मानी को तलाश करते हो और कोर्ट्स में आपको बुलाया जाता है हर साल वो तो मुग़लों के हों या वो किसी और के हों आप ख्वाजा सरा के आप गैर ख्वाजा सरा अगर आप मलांग हो अगर आप सूफी हो अगर आप बैठे हो उधर आप पढ़े हो तालीम हासिल कर रहे हो वज़ात का इल्म हो या साइंस का इल्म हो या हर चीज़ का हो क्योंकि सब कुछ आपस में मिक्सड है तो आपके पास ज्ञान है देने को आपके पास विजडम है देने को और आप ही अपनी फ़िलासफी के जरिए लिमिट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप मानी के होने ना होने पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं तो आपको मदू किया जाता है कि आप आए दरबारों के अंदर और बादशाह सलामत को या मलका सलामत को बताएं कि क्या हिसाब चल रहा है और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको भी आप काउंसिल करें तो बड़े मज़े का एक ब्लेंडेड सा एक सिस्टम था ये जो सिस्टम है वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको तालीम देते हैं क्योंकि उसने आपसे कोई काम निकलवाना है ऑब्जेक्टिव वो, वो, वो काम ज्ञान नहीं है वो काम अब लेबर है वो काम मजदूरी है जो कि आपको मॉडर्निटी ने दी है मॉडर्निटी की अता क्या कर सकते हैं उसके मजे को क्या चाहिए सो हैज साइंस ट्रूली लिबरेटेड अस है ना अच्छा मुझे वैसे पता है क्या लगता है मेरा इसको मैं थोड़ा इस तरह देखता हूँ कि जैसे साइंस है या कोई भी चीज़ है तो वो डिपेंडेंट तो इंसानों पे होती है ना वो भी टूल वाली बात है कि ये सारी चीज़ें आइडियाज़ बेसिकली एक मैकेनिज्म है हमारे दिमाग में वो आता है फिर हम उसे अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ड्रीम मैनिफेस्टेशन कह लें दुआ पूरी होना कह लें अपना एम्बिशन पूरा करना कह लें खबाब पूरा करना कह लें किसी तरह से आपको जो सब सोचा है ना अगर आपने उसको लिविंग रियलिटी बना दिया ना क्या उसका नया नक्शा बाकी रह रहेगा आपकी ज़िंदगी में या जाते तक ठीक है तो वो एक हमारा एम होता है इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिक और भी बहुत कुछ होता है लेकिन बेसिक देखें एक ख्याल होता है एक आपका एहसास होता है।, है ठीक है ख्याल जो है वो आपको ख्याल बड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है ख्याल इन्फॉर्मेशन के बग़ैर नहीं आ सकता ठीक है और इन इफॉर्मेशन का मतलब ये वो थोड़ी सी भी हो सकती है आप पैदा होते हो आप बड़े होते रहते हो जितनी इन्फॉर्मेशन है उतने ख्याल होंगे जितने एक्सपीरियंसेस हैं उतने ख्याल होंगे ठीक है जैसे अगर आप कुछ ज़्यादा बार प्यार हो गया ठीक है अगर आपने कुछ ज़्यादा बॉडीज एक्सप्लोर कर ली हैं अब आपके जहन में जो इन्फॉमेसन है ना वो बहुत फ़र्क है एक ऐसे बंदे से जिसने नहीं एक्सप्लोर किया ना नो मैटर हाउ मच योर पर्सनैलिटी इज़ सेम वो वफॉर्मेशन आपको बहुत फ़र्क रखेगी एंड टू गेट टू दैट पॉइंट डीट करके कि आप सेम हो बड़ी देर लग जाती आते हुए तो मैंने ये देखा कि अगर हम वेस्ट वाली फ़िलासफियाँ देखें वो बहुत थाट पर चलती हैं बहुत थाट औरटेड है वो ठीक है अगर हम ईस्ट की फ़िलासफीज़ देखें लाइक जनरलाइज़ कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ी जनरलाइजेशन दे रहा हूँ लेकिन मैं जनरलाइज इसी बेस पे कर रहा हूँ कि जो सबसे पॉपुलर सबसे पॉपुलर आपको कोट्स मिलेंगे या बातें मिलेंगी तो ईस्ट की आपको एहसास के गर्द मिलेंगी और वेस्ट की आपको थॉट के गर्द मिलेंगी और ये दोनों काफ़ी ज़रूरी होती हैं दोनों चीज़ों पर काबू करना या इनको बैलेंस पर लाना मैं खत्म कर रहा हूँ तो अब मैंने उसको <laughs> तो मैंने काफ़ी बेसबर हो रही थी आपने एक नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। <laughs> अच्छा तो मुझे ये लगता है कि काफ़ी सारे लैसन है जो हम ले सकते हैं उनसे काफ़ी सारे लैसन है जो वो ले सकते हैं हमसे और वो ले लेते ले हैं बड़े आराम से हाँ। उनको हमारे लेसन भी लेने आते हैं लाइक ये हाँ। एक मज़े की बात लगती है मुझे योगा उनकी। जी जी वो अपना बना लेंगे योगा वो बेच लेंगे योगा वो सब बेच लेंगे हमें ये भी नहीं समझ आता लाइक ये एक बात मैं कर रहा हूँ कि हमें हमारी वो वाली एक्सेप्टेबिलिटी का है थोड़ा मसला आई गेट एवरी थिंग और मैं समझता हूँ और मैं एग्री करता हूँ बट ये वाला ही जो एक पॉइंट है ना कि हम हम नहीं यूज हम धुतकारते हैं हर चीज़ को मैं डिसग्री करूँगी आपसे कम्पलीटली मैं समझती हूँ कि जो वेस्ट की फ़िलासफ़ी है वो बहुत मटीरियल ओरिएटेड है और मॉडर्निटी का मतलब क्या है मॉडर्निटी का जो फलसफा है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि एक माशरा होता है उस माशरे के अंदर एक इंसान होता है और तमाम इंसान एक तरह की सोच पर चलेंगे सर्टन जिसका हमने लास्ट टाइम जिक्र किया कि शादी करनी है घर बनाना है हज करना है

वो इन तमाम लोग इंसानों को फुतू लगा के इन तीन चार गोल्स में रखतेगा और उसका एक जो चूहों की तरह या जानवरों की तरह से जानवरों को हम करते हैं सा लाइफ साइकिल में से गुजारते हैं तमाम इंसान इस लाइफ साइकिल में से गुजरते रहेंगे उसके अंदर ये मटेरियल्स भी कंज्यूम करते रहेंगे मटेरियल्स प्रोड्यूस भी करते रहेंगे और ये एक एल्गोरिथमिक सोसाइटी हमारे पास एक ऑर्डर के अंदर चलती रहेगी और इसके अंदर स्ट्राटा में जो हम टॉप पे बैठे हुए हैं वन परसेंट पैया फाइव परसेंट पर बैठे हुए हैं हम लोग अपनी वेल्थ भी एक्यमुलेट करते रहेंगे हम लोग भी एंजॉय करते रहेंगे और हमारा ये करना बनता है क्योंकि हमारी रेस ज्यादा सुपीरियर है या हम जेनेटिकली ज़्यादा सुपीरियर हैं या कुछ लोग इंटेलेक्चुअली ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं या हमारा खुदा ज्यादा नेक था कुछ भी आप एक फार्मूला अपना बना दोगे लेकिन देर आर द पीपल हु आर लिविंग और हु थिंक दे आर लिविंग जबकि इनफैक्ट वो जिंदगी के जरिए एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इकोनॉमी के जो सारे स्पॉइल हैं वो आपके पास टॉप वन परसेंट लेके जा रही है मॉडर्निटी इस चीज को इनेबल करती है बिस्तर में, में सुबह देगी अगर मैं खातून की एंगल से अगर मैं देखूँ तो जी एक डिग्री ताकि मैं कुछ हल्का फुल्का कर सकूं अगर मजबूरी आए तो मियाँ जो कि मेरी चीजें मेरे लिए लेकर आएगा मेरे बच्चे जिनके जरिए मुझे मामता वाली इज्जत मिलेगी माशरे के अंदर कि मैं ये लेबर करूंगी जब रिप्रोडक्टिव लेबर करूंगी और इमोशनल लेबर करूंगी तो फिर माशरे के अंदर मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी और उस तो रिस्पेक्ट के बदले मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी सारे के सारे फुद्दू आइडिया के अंदर लगे हुए हैं ईस्टर्न फिलोसोफी ऑन दी अबाउट रिजेक्शन रिजेक्ट ऑल एंड देन आस्क आर यू कौन हो क्या चाहते हो बाप बेटा खावंद मर्द औरत खुसरा जनखा ख्वाजा सराग गे होमोसेक्सुअल हैटरोक्शुअल पैन इस्लामिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेट सारे लेबल्स हैं ये तमाम अल्फाज हैं ये अल्फाज किसी जबान से पैदा हुए किसी सोच से पैदा हुए हैं वो सोच किसी जबान से पैदा हुई है वो जबान किसी वक्त में पैदा हुई है उस वक्त का कुछ कुछ तारीख थी उसका कुछ ख्याल था और हम तमाम जिंदगी अपना मानी तलाश करते रहते हैं अल्फाज के अंदर क्योंकि हम फुतू लगे हुए हैं हमने कभी इनवर्ट देखा ही नहीं जब यह सब चला जाएगा जब यह अल्फाज चले जाएंगे तो फिर मैं कौन हूँ फिर मेरा होना क्या है हम अपनी होने की कैफियत पे नहीं आते हम अपने बनने की कैफियत पे रहते हैं मैं कौन हूँ बाहर बताने के लिए मैं ये हूं मैं ये हूँ मैं ये हूँ और वो बाहर बताने की हमें इतनी आदत हो गई तो अपनी आइडेंटिटी के वही वाले अल्फाज हम वापस खुद को कम्युनिकेट करते हैं खुद को अपनी ज़ात का तस्वर देने के लिए वो तो आप सही कह रहे हैं कि हम मास्क अपना मास्क बना लेते हैं अपने और ईस्टर्न अपनेफी आपको इनेबल करती है यानी कि वेस्टर्न फिलोफफी जब आखिरकार जाकर इस आइडिया पर पहुंची तो वो क्या घर के नीचे जाकर टकरा को और उसको भी बना दिया है हमारे पास तो जी गौतम साहब बहुत जमाना पहले निकल गए थे अपना छोड़ के हुँ। थ्रोन हुँ। हमारे यहाँ तो फकीरी का भी मौजूद है हमारे यहाँ सारी के सारी सूफी लिटरेचर अगर आप उठा के देख इट्स इसम ये तो मानता हूँ इस, चीज, तो इस, इस चीज़ को जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो हमारी इशू ये नहीं है कि हमारी फ़िलासफी बेहतर है उनकी फ़िलासफ़ी बेहतर है इशू अगेन ये वाला है कि हम है। चला ठीक है आप आपके हिसाब से हमारी बेहतर है पर तो मुझे मुझे अगेन ये लगता है कि उन्होंने हमारे ही दो इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंसेज जो है ना हमारी दो इमोशन की और थाट की वो सम हाउ दो डिफरेंट एरियाज़ में ना बहुत फ़र्क तरह इवॉ हुई हैं बहुत फ़र्क तरह उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जैसे मुझे लगता है कि हमारे पास ना बहुत था खाने को हमारे पास बहुत था खाने को हमारे पास चार मौसम थे हमारे पास हर तरह का जानवर था पानी था ये था उधर से पहाड़ शुरू हो रहे हैं इधर नदी बह रही है इधर ये हो रहा है ठीक है तो लोगों को जो प्रोमिसज थे ना कुछ आफ्टर लाइफ वाले वो यहाँ जिंदगी वैसी थी ठीक है तो ये बड़ा फ़र्क था कि हम किस तरह बड़े हुए और फिर हम आप, हम आउटवर्ड हमें जाने की ज़रूरत कितनी तो बड़ी है लेकिन आपने जो बात की है ये बात एक्चुअली हकीकत है ये कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री भी यही है कि जब फर्स्ट टाइम आपके पास मिशनरीज और ये सारे कॉलोनाइजेशन मिशन वाले जब सारे आके उतरे और उन्होंने जगह देखी तो दिस वाज द ईडन दिस वाज द गार्डन ईडन यहाँ पे जो पहले से लोग मौजूद थे जाहिर है वो खुदा के भेजे हुए या खुदा के तो नहीं हो सकते क्योंकि उनका मजहब तो नहीं मान रहे तो वो बुरे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने सिविलाइज करना है यहाँ पे क्योंकि ये जन्नत हमारे लिए तो है तभी तो हम यहां पहुंचे हम 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 वो हम वो जिसने अपनी जगह अपने गंदे गंदे पहाड़ों में बैठ के लंदन के बसूरे मौसम कुछ. कुछ, ने काथलिक मारा काथलिक ने लड़ते रहे लड़ते रह, लड़ते रह, लड़ते रह, लड़ते रह, खाने को कुछ नहीं था सबको सिफिलिस हो गई सेक्स वर्क जहां पर जो लंडन में जिस तरीके से चला था वहां पर हमने साइंस इजात की उससे हमने कश्ती बनाई उस कश्ती पर हम बैठे और हमने हिम्मत की क्या समुद्रों पर जाके देखते हैं अपनी गंदी जगहों से निकल कर और हम जब इधर आके उतरे तो वाह मर्द औरतें मर्दाना औरतें जनाना मर्द दरमियान वाली चीजें सोना आर्किटेक्चर, ये तो जन्नत है यही तो जन्नत है जिसका हमसे वादा किया सोने गया की था। तो अब हम आएंगे और अब हम इस चीज को हासिल करेंगे क्योंकि ये जिस राह पे हम निकले थे एक्सप्लोर करना ये सी पर हम लोगों का आए कंटिन्यू करना है दिस इज नॉन एज द वी आर दी एनलाइटेंड वंस बत्ती बल गई हमारी हमारी बत्ती बल गई हम आके आपको सिखाएंगे hmm. वो ये कहानी जो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी कि वो जो hmm. प्रीचर साहब वॉक्स अप टू एन एस्कीमो एंड हाँ, से एस्क डू यू बिलीव इन गॉड तो वो कहता nee, हाँ. so है नहीं आई डोंट कहता है वी डोंट बिलीव इन इट ही विल गो टू हेल सो पूछते हैं इफ यू हैडंट टोल्ड मी दैट वुड आई स्टिल गो टू हेल कहता नो देन यू वुडंट फिर सवाल बनता है व्हाई ना, क्यों बताया था, हाँ। था मेरा तो हर कोई अपनी चीज़ बेच रहा है और कुछ लोग अपने जमीर की तारीखी बेच रहे हैं और उसमें बेशतर लोग शुार है और हम सब भी उनके पीछे लगे हुए हैं हम में से किसी ने भी रुक के अंदर नहीं देखा और मुझे भी इस बात से बड़ी कोफ हुई क्योंकि मेरी ट्रांजेक्शन की पूरी जर्नी ये तमाम चीजें ये सारा कुछ एक कंक्लूजन था बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने किया ये मेरा स्टेप नंबर वन है अब इसके बाद मैं शादी करूंगी अब इसके बाद मैं लड़के पटाऊंगी हालांकि मैं सब कुछ कर करा के आराम सकून से सब कुछ छट छट आके आखिर में आके इधर पहुंची हूँ कि ये है मेरा पॉइंट जिसके बाद से मेरे ख्याल से मेरी एक नेक्स्ट रेवल्यूशन स्टार्ट होती है बिकम अ न्यू बीइंग वाज लुकिंग इनवर्ड्स के बाहर के ट्रांसजेंडर भी एक लेबल है हौजस्त रहा तो चलें कल्चर है कल्चरल लेबल है जिसको मैं एक्सेप्ट करती हैं मगर यहाँ तो वो भी एक लेबल ही तमाम चीज़ें ऊपर से हटा दे तमाम हकीकतें तमाम मनी तमाम रंग जो मैंने कभी कोई अपने मर्जी के कोई रेबेलियन में कोई किसी का थपेड़ा हुआ तो जितने भी लगे गए हैं तमाम इन सबको अगर धोया जाए तो मैं नीचे क्या हूँ मैंने एक मैं नीचे एक जिल्द हूँ उस जल्द के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है उसके अंदर कुछ हड्डियाँ और उसके अंदर कैदिक रू है जिसकी एक तकदीर है और वो इस गोश्त के लोथड़े और हड्डियों और इन पट्ठों के जरिए खुद को बयान करती है खुद को यहाँ करना चाहती है कहीं उसको मुआशरा रोकता है कहीं उसको ये जस्म रोकता है कहीं उसको ये जहन रोकता है और ये जंग है जो कि आखिर तक जारी रहेगी और ये सबकी जंग नहीं है वैसे तो अगर देखें तो मगर पहचानी किस किसने बहुत से लोग तो औरों की जंगे लड़ रहे हैं अभी तक औरों के दिए हुए मानियों पर ज़िंदा रह रहे हैं उन्हें खुद से यही तो एतराज़ है कि हमारा दिया हुआ मानी तुम जो है वो ठुकरा क्यों रही हो हालांकि मैं ठुकरा इसलिए रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं आया मुझे अपना दिया हुआ मानी ज़्यादा पसंद आया कि मैंने खुद की खोज से निकाले और मैंने तमाम किताबें पढ़ के तमाम चीज़ें पढ़ के मैं उन्हें निकाले मैं पहुंची भी नहीं हूँ अभी उधर तक अभी तो मैं इस रास्ते में हूँ अगर मैं कह देती कि जी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ तो मैं भी कोई डेरा डाल देती मैं भी टिकट बेचना शुरू कर देती और लोगों को मैं भी दीन के दर्श देना शुरू कर देती लेकिन मैं उधर नहीं पहुंची जो लोग पहुँच गए उनको मुबारक को सोबिस अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे आप बहुत अच्छी जगह पहुँच गए दुआ करें हम भी पहुँचे कभी अच्छा तो अगर हम इन्वर्ट देखने की बात करें मेरे तो उसकी अगर प्रैक्टिकलिटी देखें अपनी जिंदगी को रखते हुए साथ एक तो एसटिसम है ना कि आप चले ही गए आपने त्याग दिया वो तो एक फर्क चीज़ है ठीक है आई आई लव लव दैट दैट टू ठीक है वो मैं समझता हूँ उस चीज़ को मेरे नजदीक सबसे एग्जिस्टेंस ठीक है अच्छा मुझे यह लगता है मुझे लगता है कि वो जो है ना एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए जिंदगी में एक बार hmm. एक बार मतलब अगर आप चाहें तो अगर आप क्योंकि इंसानों के अंदर बहुत सी इंटेलिजेंसेज होती हैं वो अनलॉक होती हैं कभी ड्रामा से कभी एक्सपीरियंस से कभी छलांग लगाने से कभी पानी में मुंह डालने से हर किसी की फर्क कहानी है वो कुछ और ही जाग जाता है उसके अंदर कुछ समझ आया था लोगों को ठीक है आपको बंदा उसको पौधों में सब नजर आया था वो बात ही पौधों में करता है वो आपको जुगत भी पौधों की लैंग्वेज में बारे का आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आपकी जुगते हैं जो है ना वो कोडिंग की लैंग्वेज में हो जाएंगी बट इन द एंड घूम फिर के वही वाली बात है कि इन द एंड तो आप इमोशन की बात कर रहे हो कुछ चाह रहे हो कनेक्ट कर रहे हो और ये कर रहे हो तो आप लोग जो हो बहुत आइसोलेटेड एक्सपीरियंस होता है वन इट कम्स टू कनेक्शन वन इट कम्स टू यू पीपल तो इट कम्स टू यू लाइक ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर पीपल वो वाला टैग उस वाले टैग की अगर हम बात करें तो, हाँ, हाँ वो टैग पर रखेंडर्स जो होते हैं तो जो आइसोलेट एक्सपीरियंस होता है आपका तो लर्निंग जो होती है लाइक क्या mm -hmm. अब मैंने किससे सीखना है एक तो मैंटर्स होते हैं ना अब आम बंदा तो कैसे कर रहा होता है तो उसके कोई मैंटर होगा एक अम्मी अबू होंगे एक उसका मोहल्ले में बड़ा भाई होगा एक को कॉलेज में कोई मिल जाएगा एक को जॉब पर मिल जाएगा बड़ा छोटा तो हाउ वज दिस फॉर यू लाइक वेन इट कम्स टू लुकिंग अप टू पीपल कि यार अच्छा अब मैंने सीखना है कुछ बढ़ना है ऐसा बनना है या ऐसा बनना है ये बेहतर होता है तो वो हाउ वॉज देट जर्नी नान थेरेपिस्ट के साथ मल्टीपल टाइम से बात हो चुकी है मेरे घर वालों ने अक्सर मुझसे पूछा है बड़े मजे मजे की ऑफ कॉन्वर्सेशन नेवर कभी कोई था ही नहीं आई हैव ऑलवेज लुकड अप टू फिक्शनल क्रिएटेड पीपल दैट आई हैव क्रिएटेड इन माय हेड मैं that किताबों के आ, या किताबों के अंदर जिस तरह के कुछ लोग होते हैं कि जी ये ऐसा बनना है मुझे

राइट right? hmm. और उसकी वजह यह नहीं है कि क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं खुद को लड़की समझती उ तो hmm. मैंने लड़की का सच बना रिडक्टिव एक्सप्लेनेशन इसलिए बिकॉज जब आपने भी कोई रोल मॉडल क्रिएट करना होता है अपने लिए कि जी मैं किस तरह से हूँ hmm. और वो जो आपको सिर्फ फिक्शन में नजर आ रहा हो वह आपको सिर्फ एनीमे में नजर आ रहा हो hmm. या आपको वो अन नेचुरल इमेजिनेटिव के अंदर नज़र आ रहा हो hmm. तो फिर आप उसके अंदर उसको क्रिएट करना शुरू करते हो इसलिए जो मेरी जेंडर रियलिटी है ना इसके जो मैं जवाब अक्सर तलाश करती हूँ एक मेरी टर्म का ज़रा मजाक उड़ाया जाता है क्वांटम जेंडर का हुँ, हुँ, वो मैं इसीलिए वो वहाँ से वाली तमाम टर्म्स आई थी जब मुझसे अगर कभी को पूछे कि जी आप लड़का हैं कि आप लड़की हैं तो मैं मैं क्या कोई भी इंसान इसका हकीकी तौर पर जवाब नहीं दे सकता जब आप कहते हैं कि आप मर्द हैं और मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो हम दोनों झूठ बोल रहे हैं क्योंकि औरत कहती है कि मैं औरत हूँ तो वो वो भी झूठ बोल रही है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं हम सब कंडीशन हुए हुए हैं

बहुत एक अच्छी रकासा बनने तक मुझे पूरा यकीन में भीख मांगती तो मैं आराम से कोई तीन चार लाख तो लेकर आती बड़ी मैं क्रिएटिव हूँ मुझे करने के ऊपर अगर मैं आती तो मैं डिसिप्लिन भी ले आती हूँ अपने अंदर मैं वजश करके जरा स्लिम स्मार्ट फिट भी हो जाती डांस मुझे अच्छा करना आता है मॉडर्न गानों की जदम की मुझे समझ समझा मैं कोई नई सी एक मुजरा आर्टिस्ट बन जाती पता मेरा भी दस दस लाख के मुजरे उठते लेकिन मुझे वो ऑप्शन उतनी लिमिटिंग लगीं जितनी मुझे मर्द होकर ऑप्शनस लिमिटिंग लगी और जितनी मुझे औरत हो के ऑप्शन लिमिटिंग लगती हैं मैं मैं हूँ मैं मैं बनना चाहती थी और ख्वाजा सराइत ने मुझे इस चीज़ की ताकत दी <गरिय Elliot> मैं एक्सप्लोर कर सकूँ हालांकि आप उसी विजुअल की आइडेंटिटी के मेरे ऊपर भी तो है ना लिबास बात कि लिबास तुमने वो वाला पहनना है जो जनाना हो क्योंकि वह फिरका होता है जबकि मेरे लिए लिबास जनाना मर्दाना नहीं होता अगर ट्रूली मुझे मेरा लिबास पहनने के ऊपर मैं कभी आऊँ ना अगर <गरिय Elliot> मुझे ये शशके ना करने पड़े मुझे रंगों का ख्याल ना करना पड़े मुझे अपनी नाइन्टी के फॉलोअर्स और उसके मुताबिक मेरी किस तरीके से चलनी है जिस प्रैक्टिकलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं ठीक है मैं डिजिटल एसे, एसे, के अंदर अगर मैं जाना चाहूँ एक तरीके से तो फिर तो मैं तो फक ऑल हूँ मेरी जान हुँ. मेरा तो फेवरेट ड्रेस काली शलवार कमीज़ है हुँ. और बस उसके ऊपर तरह तरह का गोटा कभी कभार एक लगा दिया दूसरा खुद अपने हाथ से लगा दिया एक ऐसा फैब्रिक का जो आपने कहीं से उठाया दूसरा फैब्रिक कहीं और से उठाया खुद ही जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जो दिल चाह रहे लूज फ्लोई अपनी मर्जी की एक चीज़ तैयार करो लिबास है ना लिबास का काम क्या है ख़ुद को छुपाना एक फंक्शनल चीज़ क्रिएट करना आपके लिए और ख़ुद को एक्सप्रेस करना मुझे तो ये ब्रांड्स बहुत लिमिटिंग लगते हैं क्योंकि ब्रांड ने तो आपको बना दिया चीज़ अब वो बनी हुई चीज़ आपने उठानी है तो अगर ट्रूली मुझे मुझे मेरा आप होना पड़े तो ये तो कुछ भी ना लिबास बिल्कुल मेरी मर्जी का हो लेकिन वो किसी को समझ आएगा फिर तो मैं बिल्कुल पागल चल रहा खुस रहा हूँ ना देखो तो बिल्कुल ही सठे आ गई है नशे का करके इसका ये हाल हो गया माइथोलॉजी तो फिर सॉरी और स्टेटाइपी और बायसेस तो फिर वहां पे भी है तो हम तमाम लोग जो खुद को मर्द कहते हैं औरत कहते हैं ट्रांसजेंडर कहते हैं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि को कोई सुन रहा है सुन है, और हम उसको है। सुना रहे हैं या, है। तो अगर मैं दुनिया की मैं दुनिया से अपने कान बंद कर लूँ और मैं खुद से मुखातिब हूँ तो मैं खुद को क्या कहूँगी खुद को मर्द कहूँगी औरत कहूँगी ट्रांसजेंडर कहूँगी ख्वाजा सरा कहूँगी जनखा कहूँगी क्या कहूँगी मैं खुद से किस जबान में मुखातिब हूँ मैं मैं के लिए कौन हूँ मैं मैं के लिए क्या हूँ ये सवाल मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं कुछ होने से होने को लॉक करते नी ये आप आप ख्वाजा सराय हाँ हूँ और ख्वाजा सरा होने के अंदर मैं क्या क्या हूँ वो होने की वजह से मैं क्या क्या हूँ वो रास्ता भी खुला उस रास्ते पर तो मैंने रुकूंगी ये नहीं। जितने प्रेशर्स आ जाए मेरे ऊपर पोलिटिकल रीजन की वजह से या कम्यूनिटी की तरफ से या विजुअल आइडेंटिटी की तरफ से, से स्टॉप इट पुट अ अंक्रीट स्लैब अप यू लंटर डालो अब डाल दो लंटर ये रुको ये है तुम्हारी शनात ये तुम्हारी विजुअल आइडेंटिटी तुम्हें खुद को ऐसे पेश करना है नहीं भी मुझे मेरा जवाब नहीं मिला अभी अभी मैं तलाश कर रही हूँ <गली> मेरा जिसम मेरा मैंने अपना हिसाब मैं खुद देना है मेरा दिमाग मेरा मैंने अपना हिसाब खुद देना है रूह तो है मेरी अपनी वो अपनी जर्नी खुद ढूंढ रही है जब तक मुझे मतलब नहीं मिलेगा मैं और लोगों के मतलब में रुकना चाहती ऐतराज़ है मुझे लड़ाई है मेरी जंग है मेरी जिद है, है मेरी मैं क्यों रुकू मैं क्यों नूं किसी और का मतलब इतनी खूबसूरत चीज एक ही चीज़ जिसके ऊपर मुझे कंट्रोल है बाकी चीज़ों पर तो नहीं है मटीरियल रियाल्टी मेरी कैपिटलिज्म के अंडर और पोलिटिकल सिस्टम के अंडर है क्लास सिस्टम के अंडर है लिबास की मेरी रियलिटी माशरे के जेंडर सिस्टम के अंदर है शक्ल की मेरी रियलिटी माशरे की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अंदर है एक ही चीज़ है जो कि मेरे है तो खूबसूरत है मैं करता हूं कि आपका मतलब आपके अपने होने चाहिए आपके अगर आप बना नहीं आपने टैक्स कम से कम आपके बायस हैं आपको पता हो आपके हैं

जिसम का असर बहुत है क्योंकि मेरे जिसम को बहुत ठूसने की कोशिश की गई है कभी इधर कभी उधर मेरे जिसम से बहुत तो रही हैं जनानगी की या अमरदानगी की और मैंने उन तो पूरा करने के लिए सब कुछ किया टेस्टोस्टोन के टीका भी लगवाया दो साल उसके बाद यानी कि बहुत से लोग जब जो भी तस्वीरें उठा उठा के देते हैं कि देखो ये तो पहले ऐसा होता था बड़े चला के ना वो दो हज़ार बारह से पहले पहले नहीं उठाते मेरी थेरेपी के अंदर स्टार्ट हुई थी और मुझे कोई गिल्ट नहीं है उसके ऊपर बाय द वे नो रिग्रेट नो शेम ये तो देखो अब मैं ट्रांस हूं तो हाई देखो अब मुझे लेजर कराना होता है काश मैं टेस्टोस्टेरोन ना लेती तो मेरी वो होती ही ना बड़ा आसान है मैं इस गिल्ट में जा सकती हूँ लेकिन मैंने मैंने आई आई कंसेंटेड टू इट इट चोज खुद लिटरेचर कंज्यूम किया मैंने पढ़ा मैंने कहा नहीं ठीक है लोग उसको फिक्स करके देखते हैं मैंने फॉलो किया वो वाला माशरती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो ये माशरा मुझे अब कहता है कि आप करो मेरी जान मैं दस साल पहले कर रही हूँ वो सारे सिस्टम सारे शशके फॉलो करके मेरी दाढ़ी भी निकली पैचेज में निकली लेकिन निक, निकली उसे पहले नहीं होती थी जो लड़कियों ने खूब लाइने कराई बड़ी मैं वैलिडेट हुई बड़ा मुझे मज़ा आया मेरी तस्वीरों में ढेर सारे लाइक आया करते थे इनोसेंट फेरी प्रिंसेस और डेजी फन फॉर यू पोक भी किया करती थी मुझे रात को ये वाले शशके भी होते थे लेकिन दो साल के बाद जब वो ढोक ख़त्म हो गया जब वो मास्क वो हाई उतरा सोशल वैलिडेशन वाला तो फिर दोबारा सवाल आया लेकिन जान तू कौन है ये तो वो जिससे मैं जो तुमने तैयार किया है कशकोल बना के ताकि माशरे से तुम या इन लोगों से तुम उनकी नज़रों की भीख मांग सको बन तो तुम आखिर में कशकोल ही गई हो मरदानगी का कशकोल हो तो तुम मर्द जिसम तुमने मरदाना कर दिया शक्ल तुमने मरदाना कर दिया रूप हुलिया भेद सब कुछ तुमने मरदाना कर दिया मगर हो तो तुम फिर भी कशकोल ही क्या फायदा का वो प्रिविलेज भी अगर आप एक मास्क के कशकोल बन कर ले रहे हैं तो फिर मैंने वो तोड़ा फिर मैं कुछ भी नहीं रही काफी अर्सा मेरी देर वज नो हॉर्मोनल थेरेपी फिर मेरी स्ट्रोजन थेरेपी स्टार्ट हुई और जब वो मेरी स्टार्ट हुई तो माई माइंड फाइनली क्लेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजी एक्चुअली हाउ ट्रांसजेंडर ब्रेंस बिहेव ना वो ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करती हैं ऑन हार्मोन्स को जो कि वो जेनेटिकली ज्यादा इनकलाइंट है उनको फॉलो करने के लिए और फिर ये सारे रास्ते खुले ये दिमाग hmm. के भी ये वाले भी ये सारा कुछ ये कि लिश चिबास खूबसूरती hmm. जनानगी मरदानगी कालुक ही है नहीं नहीं hmm. कुछ जनानगी कुछ मरदानगी नहीं है एक आप, आप है पर एक आपकी और एक मानी है जिसकी आप तलाश में हैं एंड एवरी एल्स इज प्योर नॉइज अच्छा तो मेरे पहले ही होया था पहले जब मैं सुनता था ना आपको तो वो अब इस तरह से था कि वेन आई वॉज लुकिंग एट यू एज यू वर एंड वट यू वर से तो अब ना उस वक्त तो लाइक कुछ कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा है ना मैं भी कुछ ज़्यादा बोलता बोलता नहीं होता आस पास ही बोलता था तो पहले तो ना वो आपको ना एक हिट ऑफ वो आता है कि ये हो सकता है दिस इज़ पॉसिबल हर चीज़ से हट के उस बंदे की फैसिनेशन से भी हट के हर चीज़ से हट के ना आप पहले ये देखते हो कि अच्छा ये हो सकता है इधर मेरी लिविंग रियलिटी में ये पॉसिबल है अच्छा ठीक है ओके फिर एन दन यूर लुकिंग एट इन यूर लाइक अच्छा ये कैसे कैसे पॉसिबल है ओके लेट्स ठीक है यू बिकम अ व्यूअर एंड यू आर सेटिंग एंड यूर लुकिंग एट अ पर्सन जर्नी और आप देख रहे हो कि अच्छा ये ऐसे पॉसिबल है और अच्छा ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है और ये हो सकता है और कोई जी रहा है दैट सुपर फाइन सुपर ग्रेट और बहुत अला बात है और फिर उसे आप इंस्पिरेशन लेते हो कि यार आप ना बोल सकते हो कुछ नहीं हो जाता इतना मतलब इतना कुछ नहीं होता लाइक मोस्ट ऑफ़ इट आपका फियर होता है और आधा फियर आपका होता है जो आपके आसपास लोग हैं ये बड़ा आगे जा के आता है हम नॉर्मल जो फिर रहे हैं यहाँ पे सब लोग उनका जो फियर है ना ये वाला कि कोई कुछ कर देगा आके वो बड़ा दूर होता है वो बेसिक फियर ही होता है कि सबसे बड़ा फियर ये होता है कि घर से अलीहदा आप हो जाएंगे या घर से निकल जाएंगे लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट फियर मोस्टली अनलेस को किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है बट नॉर्मल लाइफ के जो आपके चल रहे होते हैं ठीक है और आप उसी में मोस्ट लोग चुप पे हैं आधा मसला तो लोगों का ही है कि वो चुप पाए हैं वो नहीं बोलेंगे उन्हें सब पता है एवरीबडी स्मार्ट इनफ मैं ये नहीं समझता कि लोग डामब होते हैं मैं मैंने लोग बहुत स्मार्ट होते हैं आप उनकी आई पे आने दे जस्ट लाइक लेट एट कम टू सम बेनिफिट और लॉस आप देखते हैं वो कितने स्मार्ट होते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन आता है यारे क्यों नहीं समझ रहे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है अरे क्यों नहीं समझ रहे ना ठीक है फिर मैं थोड़ा सा वो गुजारा बट मैं बहुत अभी भी अमेज़ होता हूँ लाइक like, के कि टू बी ये सारा कुछ करना वो और ऑब्वियसली लाइक वैन यू लिसन टू समिंग अच्छा कोई अमेज़ होता है या किसी को ये ये लगता है तो यू वुड भी लाइक कि बिकॉज यू हैव डन इट ना तो यू आर लाइक हाँ ठीक है <laughs> सही है बट हम ताली लिए बजाते हैं वो जो हमसे नहीं किया रहा था hmm. जो नहीं किया रहता ना आप शाहरुख खान के लिए आधे लोग ताली इसलिए बजाते ना कि मेरे ऐसे करने वो कुछ नहीं होगा वो बॉय आता है वो ऐसे करता है तो मतलब आप ताली बजाओगे आपके होने पर तो नहीं होता अब उसकी बाकी चीज़ें फ़र्क है कि आप उसको किस तरह देखते हो क्या करते हो तो वो वो बड़ा अमेजिंग है तो वन इट कम्स टू द स्टेप कि आपने कहा यार अब मैं ना ये करने लगी हूँ अब इट्स गोइंग टू बी आउट इन द ओपन तो एक आपका डिसाइसिव मोमेंट होता है जो आपको पता था कि मेरी अब जो रियलिटी बदलेगी ना इससे वापस जाना ना उससे नहीं पहले देर वर टाइम्स कि आप साइकिल बैक कर लो सर्कल बैक कर लो कुछ देख लो कोई नुक्कड़ आड़ ले लो लाइक आपके जहन में होती है ना एंगजाइटीज़ होती हैं आप सोच रहे होते हो इतना आसान नहीं होता तो वो जो डिसाइसिव मोमेंट था उसकी सबसे सबसे जो इंटेगनजिंग <coughs> एंगजाइटी थी वो क्या थी कि आखिरी जो थाट होता है कि यार इससे

या वंस के आगे उनको पता है आपकी ट्रांसफर का और बाकी लोग cool अमेरिका से आए हैं इतने जमाने तक जो मैंने रिलाई किया ना सन आप अपनी वहादत की तलाश में होते हो ना ये आपकी वहादत होती है अपनी जिंदगी की वहादत की तरफ हम आ रहे यहाँ वजूद की वहादत की तरफ हमारे यहाँ रोशनी थी इट वॉज ब्यूटिफुल इट हैज बिन वन ऑफ लाइफ ज well. वो इतना इंटेग्रेट हो अंदर कि वो मुझे उसकी बहादुरी और उसकी वो बढ़ावत नहीं फील होती मेरी hmm. थे तो hmm. hmm. तो hmm. हो ना hmm. अंडरग्राउंड जाती है दो तीन साल छुपती है तमाम अकाउंट डिलीट होते हैं नए अकाउंट से सामने आती है उससे मशहूर होती है फिर घर वाले लोगों को बाद के दूर के लोगों को बहुत बाद में जाके पता चलता क्योंकि जिसका पब्लिक नेम अभी है hmm. मैंने तो शुरुआत ही वहां से की hmm. सॉरी शुरुआत ही फ्रॉम एबसलूट क्लोज वन सबसे पहले तो खुद अपनी जात से hmm. फिर बाकी लोगों से उस तरह तो um, मेरे लिए तो आई आई लव इट आई विश आई इट अर्लियर वो रिग्रेट्स नहीं है वो विशेष hmm. है hmm. I I 16. Hmm. वो था. Hmm. उसके बाद जिंदगी टफर

मर्द जो है ना वो अच्छा वो पागल हो रहे हैं पागल है <laughs> वो अभी नहीं हो रहा वो पहले से पागल हैं लेकिन और मैं पता है इतनी ज़्यादा बातें करती हूं कि है मुझे बॉयज़ बड़े प्यारे लगते हैं फलां बॉयज़ बड़े प्यारे फलां बॉयज़ बड़े प्यारे तो अभी मुझे हकीक़ी बात है मेरे ख्याल से यही एक तस्किन रह है मेरी आंखों की तस्किन जो मैं पूरी कर सकती हूं और पढ़ा इस पर मुझे साइलेंस करने की कोशिश की गई ना कि गंदी बातें करती है ऐसे गंदी बातें ना करें मेरे लिए सियासी बातें मैं ये हमेशा करूँगी बिकॉज हमारे लोगों ने कभी बातें सुनी नहीं है बड़े होते हुए हमने हमेशा किसी गोरे की खूबसूरती का जिक्र सुना है ठीक है कोई और का कहीं और का कहीं बाहर का बंदा प्यारा होता है कहीं बाहर की बंदी प्यारी होती है हमने कभी नहीं सुना कि सराय की बड़े खूबसूरत होते हैं वाह यार सिंधियो कॉम्प्लेक्शन खूबसूरत वाह डस्की पाकिस्तानी लड़के लंबे बालों वाले लड़के बड़े हॉट होते हैं हमने कभी सुना नहीं पाकिस्तानी बॉयज़ यार वाह क्या बात है पाकिस्तानी बॉयज़ की वी नेवर रियली हर्ड इट No, yeah. हम तो सेल्फ एस्टीम और बॉडी इस्टीम के साथ पले बड़े ही नहीं हैं हम रेशली उसके साथ hmm. नहीं पले बड़े तो मैं तो जरूर कहना चाहूंगी हकीकी बात है मैं तो एडमिट करती हूँ वो अलग बात है कि मैं टोटली सिंगल हूँ hmm. <laughs> और बड़ा मेरा खुशका चल रहा है मैं मगर डिलिबरेटली चल रहा है मैं मजाक पते मैं यूँ करती हूँ बड़ा मेरा खुशका चल रहा है hmm. कि मैं फेक कर रही होती हूँ ये मेरा hmm. एक जोक चल रहा होता है एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट आई एम सो हैप्पी बिकॉज सेक्शुअलिटी की जो मेरी जर्नी रही है ना वो भी मेरी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के जरिए कम्प्लीट होना स्टार्ट हुई है क्योंकि मॉडर्निटी के अंदर आप जब इस डेटिंग कल्चर के अंदर आते हो वो तो आप ट्रांस तो आप रेगुलर शादी भी आ कल्चर में तो आप फिट नहीं हो सकते आपके ना रिश्ते देखे जा सकते हैं ना आप रिश्ते देखें और वो देखा जाएगा तो वो झूठ है अगर किसी लड़की का रिश्ता मेरे लिए देखा जाए तो मैं लस तो क्योंकि मैं नहीं ठीक हुँ, है लेकिन अगर देखा भी जाए होती हैं बहुत सी ट्रांस लोगों का और कोयर लोगों का इस कस्म का सीन होता है मेरा तो वो है नहीं आपने उससे अपने आप को आरी कर लिया तो फिर आपके पास क्या फिर आपके पास डेटिंग एप्स हैं फिर आपके पास क्लब्स हैं फिर आपके पास ये मॉडर्न डेटिंग कल्चर है और उस मॉडर्न डेटिंग कल्चर के अंदर क्या उस मॉडर्न डेटिंग कल्चर के अंदर भी नाइनटी परसेंट वही चुकी यहाँ पे वहाँ पे भी सेक्स किया शादी के नाम पे असल में तो आप क्या कर रहे हो सेक्स लेव तैयार करके औरत बुला रहे हो ठीक हो गया और एक मेल प्रोवाइडर आप उसको दे रहे हो यहाँ पे भी वही है क्या आपने अपनी एक वक्ती फरागत है जो आपने पूरी करनी है क्विक रश आपको चाहिए चाहिए आप एक सो वंस यू गो थ्रू हिट्स ऑफ दैट और लाइक ओके इसके बाद क्या इसके बियॉन्ड क्या Hmm. और uh, उससे मुझे काफी ज्यादा अपनी मेरी मेरी डेमी सेक्शुअलिटी की एक्सेप्टेंस हुई है लॉट ऑफ माई बींग मॉडर्न सकाफत के अंदर hmm. मैं उसको कोप किया करती थी इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के जोक्स क्रिएट करके विच इज वाई माई डीमर इज स्पलेंडेड आदत उसमें बाकी लोग होते हैं लेकिन खुद के साथ ये एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा हो गया बिकॉज पहले आप ना चाहती हो भी इस मॉडर्न माशरे के अंदर हो तो काफी लान तान करते हो काफ़ी कोसते हो कि आ, मेरे अंदर क्या है मैं प्रूड हूँ मैं कंजर्वेटिव हूँ मैं चूतियाँ हूँ मैं चवल लूँ मेरे साथ क्या मसला है कि मैं चार पांच डेटों के ऊपर जाती हूँ लेकिन मेरा नहीं दिल चाहता उनके साथ सोने का मेरा मैक्सिमम होता है गप्पे मारते रहे हैं साथ बैठ के पॉपकॉर्न देख लें नेटफ्लिक्स देख लिया और आखिर में कडल कर लिया पैनिट्रेटिव एनल इंटरकोर्स तो खैर एक बहुत ही दूर की बात है हम तो एक बुनियादी अनड्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं जो मेरे को थपेड़ा लगाया जाता है तो एम आई एब नॉर्मल Why आई I नॉट लाइक like, क्या मेरे अंदर कोई ट्रामाज है? बिकॉज आपने इसको प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया Because modern है बिकॉज मॉडर्न आपसे मैंडेटोरी सेक्शुअलिटी मांगता है जरूरी है या शादी भी आपके जरिए करके दो ताकि तुम ये मॉडर्न इस्लामिस्ट को प्रूव कर सको कि तुम शरीफ हो तुम जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं जैसे ढूंढ दिए नज़र लगे तू ही है वही क्योंकि जी मैं तो इतनी ज़बरदस्त मैं मुहजबा मैं दाड़ी वाला मुल मैंने बचपन के अंदर शादी कर ली वाह 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 उधर भी तो आप जिनसीत का ही जवाज़ पेश कर रहे हो या फिर आप इस मॉडर्न कल्चर पर मैंने देना ही नहीं है कोई जवाब मैं मैं हूँ मेरा कडल करने का सिर्फ दिल चाह रहा है या मेरा hmm. वो भी करने का दिल नहीं चाह रहा है मेजॉरिटी hmm. तो मेरा अकेला सोने का दिल चाहता है लॉट ऑफ पीपल आस मुझे कहते भी है ना कि हम आपकी बातों को सपोर्ट करते हैं बट नॉट योर सेक्चुअलिटी एंड आई से माई सेक्लिटी इज लिटरली स्लीपिंग अलोन ऑन आन माई बैड विद माई पिलो बिटवीन माई लेग्स दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू कम्फर्ट दैट आई नो सो ये उसकी एक्सेप्टेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जिनसीयत के होने ना होने गे होने ना होने स्ट्रेट होने ना होने ट्रांस होने ना होने के अंदर भी ना हम कहीं पर पूरी की पूरी डिबेट के अंदर ना जनसीत को इनकोड कर देते हैं एज कि सेक्शुअलिटी तो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए और उसका इजहार भी इस तरीके से होनी चाहिए कैसे पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स अंदर बार करने वाला है साहब साबित करना आपने हाँ या खुद को या किसी और को या शराफत साबित करने के लिए या मॉडर्निटी साबित करने के लिए कहीं ना कहीं आपने करना है भाई जिसम का इजहार मोहब्बत का इजहार सिर्फ इतने थोड़े बुनियादी अफाल तक क्यों महदूद है एक्शन तक क्यों महदूद है Why is everything so basic? Why is everything so limited? सो hmm. लिमिटेड कि इवन लिबरेशन भी जहाँ आपने हमें दिखाई जहाँ आपने बोला hmm. कि जी सेक्स के अंदर लिबरेशन है वहाँ आप भी ला के तीन चार चीज़ें आपने हमें सिर्फ दे दी तीन ना चार टाइपों के लड़के हैं तीन, है, तीन चार टाइपों के सेक्स हैं तीन चार टाइपों के फॉर्मूले हैं सब ने वही रटा मारा हुआ है उसी को आपने उसी गर्दान को इस तरीके से या उस तरीके से, से, से मोमेंट के हिसाब से आपने चेंज करके आपने करना है और वाह 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 जी आखिर में आपको ऑर्गेजम की ताली मिलेगी तो फिर ये भी नहीं होता कि आपको लाइक आप सिनेरियोज भी बिखरे होते हैं आपको आगे दिन में एक स्नारियो बनता है फिर अगर आप एक अपनी कहानी लाते हो ठीक है फिर अब आपने एक सिनेरियो बना लिया वो आपको अच्छा लग रहा है ठीक है कभी आप वो सिनेरियो अचीव कर जाते हो और कभी आप वो नहीं कर जाते ठीक है वो होता है तो वो भी बड़ा बाहर से आ रहा होता है आप इतने क्रिएटिव ही नहीं होते ताकि आप प्रोडक्ट खरीद करें और काफ़ी देर तक वो चलता है काफ़ी आपको मज़ा आता है लेकिन मेरा तो अब है कि अगर जी अगर वो आपने स्नारियो बनाया और फिर आपने एक्ट आउट किया और आपको मज़ा नहीं आया तो मज़ा ना आने वाली फेजेज आपकी कितनी ज़्यादा गुजरियाँ राइट कि हमने तो बड़े क्रिएटिव होके हम बड़े इंटेलिजेंट ऑटिस्टिक लोग थे जी हमने तो दिमाग के अंदर सेक्सुअलिटी को भी इंटेलेक्चुअलाइज और एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हाँ अब हाँ हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो होता तो नहीं है लेकिन अक्सर का पूरा हाँ। राइट हाँ। तो वो जो थोड़ी थोड़ी दफा जब वो होता है अगर हाँ। मैं उसी की पॉजिटिविटी को लूँ और मैं उसी के अंदर कॉमननेस देखने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या नजर आता है मुझे यह नज़र आता है अपनी जिनसीत के हवाले से कि वो हमेशा अनप्लान थी फ्यू एंड फार बिटवीन थी टोटली अनस्क्रिप्टेड अनचार्टेड थी एंड मे बी आई नेवर हैव अगेन आई थिंक नॉट वै से और ये मैं किसी इस्लामी एंगल से नहीं आ रही mm -hmm. ये सेलिबेसी वाला क्लब के लोगों के सूट करता है उनकी इतनी बेसिक इमेजिनेशन होती है kind of mm -hmm. mm -hmm. इंसानी जो हाल है mm -hmm. उसके अंदर जो मोहब्बत है जो इश्क है mm -hmm. um, जो झुका हुआ किसी की तरफ जो दिलकशी है जो उनसे, है रफ़ाकत है इन तमाम चीज़ों का इजहार किस किस तरह से हो सकता है माँ सवाए उसके वो मेरे ख़्याल से दो रूहों और दो हालों पे बहुत डिपेंड करता है कि ये दो लोग कौन है और वो वाला जोड़ मिलना वो वाली पॉसिबिलिटी होना काफ़ी इम्पॉसिबल है एंड मुझे नहीं अब अच्छा लगता जिसम के कशकोल में लोगों की नज़रों की भीख इकट्ठी करना

पहले मैं बियॉन्ड नहीं होना चाह रही थी मैं जबरदस्ती मीनिंग तलाश कर रही थी hmm. so, me, कहीं पे मीनिंग हो नशे करके अपने आपको इस वाले कल्चर में इमर्स करके करें hmm. तो फिर शायद हो जाए। लेदर के थ्रू शायद हो जाए। hmm. अच्छा बी डी एस एम का टेस्ट लेके देखते हैं मेरा क्या हाथ है hmm. शायद उससे मुझे जवाब मिल जाए अच्छा फ्लां वाला सेक्स करके ट्राई कर फ्लाइक

यार बड़ी अच्छी थी मुझे बहुत अच्छा लगता था कैरेक्टर हैरी पॉटर पढ़ी आपने जी जी शौक से पढ़ी थी आप शौक से पढ़ी थी बहुत यार मुझे बड़ी पसंद आई थी वो काफ़ी mm -hmm. मैंने जो है ना उस पर सीखा उस टाइम मैंने काफ़ी सीखा था उसमें मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था उसमें वो बाबा जी का जो कोर्ट था ना डंबल डोर अंकल का के दट ओल्ड पीपल दे दे देट हाउ इट इज टू बी यंग वो भूलते रहते हो आप तो मैंने वो तो बड़े बढ़ते हुए फील किया था कि आप भूल जाते हो कि मैट्रिक में, में आप कैसे थे आप मैट्रिक वालों को आप जज कर रहे हो वो ऑल की पढ़ने तो उससे मैंने काफ़ी सीखा था वो तो एक अच्छा कोर्स आई लव यंग पीपल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये हर बहुत सीख, हाई सीख स्कूल सकते, सकते वाले हो और यंग जनरेशन इज सो क्रिएटिव मैं तो जेन जी को लेकर बहुत होपफुल हूँ

ओल्ड ओल्ड एल जिसम आपका hmm. बन जाए तो वो देख मेरे ख्याल से प्यूबर्टी का टाइम एडोलेसेंस का टाइम हर किसी के लिए एक बड़ा हर टाइम के लिए हाँ, होता है होता है समझ नहीं आ रही होती so तो ट्रांजेक्शन का ये बड़ा फायदा हुआ है ना कि टेक्निकली आई हैव हैड टू गो थ्रू इट थ्री टाइम्स राइट एक मेरी प्यूबर्टी हुई एक मेरी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हुई hmm. वो तो एक बिल्कुल एक फन एक बिल्कुल क्रेजी एक्सपीरियंस था इसको किसी किताब लिखना चाहते सो फन और अब लेकिन मेरी एक्चुअल है ना वो तो वो थी अटैम्प्ट टू फिक्स मी थी ये वाली कमिंग इन टू है Hmm. इस वाली मैं आई ट्रूली एंजॉइंग मैं आप देखा आप टिकट पर बनाती रहती हूँ बैठ hmm. के लड़कियों की तरह हर वक्त hmm. गानों के ऊपर अदाएँ दिखा दिखा के नहीं वो टिकटॉक्स तो अच्छी हुई तो पसंद है टिकटॉक यस आई गेट अ लॉट ऑफ लव ऑन टिकटॉक आई लव टिकटॉक टिकटॉक इस बार बहुत अच्छा यार उसमें इतने मज़े की चीज़ है ना आप सब बैठे हुए हैं सब कर रहे हैं आप चार सौ तरह का घर देख रहे हो दस तरह के तकिए उसमें दस तरह के लोग हैं कभी आप गौर करो जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे होते हो ठीक है उसको तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं ठीक है, है सो मेनी पीपल टॉक अबाउट इट ठीक है लेकिन मजे के भी हैं यार देर आर हार्ट फिल्ड थिंग्स लोग आप देख रहे हो तो कैसे रह रहे हो लोग यार मुझे अक्सर बात कॉमेंट्स आते हैं कि जी मेरी जिंदगी में ये ये मसला चल रहा है आप अच्छा सराया मेरे लिए दुआ करें और फिर मैं करती हूँ

मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है लाहौर इज़ लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन द यूनिवर्स लाहौर में एक चाशनी है लाहौर में एक मिठास लाहौर ज़रा सा चिल है जिंदगी को लेकर ठीक है लाहौर में ज़रा रिलैक्सेशन है एक लाहौरी पन है एक लाहौरी लोगों को ना चिल पसंद है लाहौरी लोगों को शुगल पसंद है गप जैसे कल्चर है लाहोर में लाहौरी हाँ। लोगों को गप लगानी पसंद है हाँ। गला करा तो वो चौबीस घंटे के अंदर ना वो वक्त निकालते हैं उस गप के लिए थके वे भी काम के बाद उनकी भी है, कुछ भी है वो ज़िंदगी के 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 मॉडर्निटी जो इस्लामाबाद में, में बहुत वाजे होते हैं सबको लाहौर मुझे शहर है और ये रहेगी इसमें क्योंकि एक तारीखी मिठास है लाहौर की ये ये अच्छा 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 इसलिए आप आर्ट्स देख लें लाहौर का सारे क्रिएटिव लोग आपको लाहौर से निकल के नजर आते हैं कराची वाले तो चाविया मारे हैं सारे ठीक है ना आपको खैर इंडस्ट्री के अंदर आपको उस पर कॉमेंट देने की जरूरत है लेकिन आप समझ गए यार नहीं लेकिन चल रही है अक्सर मतलब लाहौर में भी कराची में चाबियाँ तो चल रही हैं और ऐसी ऐसी चल रही हैं कि आप सोच नहीं सकते बहुत कुछ हो रहा है जी बहुत गंद हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है सब आज आप, मैंने अच्छी अच्छी बातें की आज मैं पॉजिटिव मूड में थी लास्ट टाइम जब भाई तो मैं जरा डेविलिश मूड में थी मैं सब सब माया सब तारीखी है ये भी झूठ ये भी गलत भी गलत आज मैं वो वाल नहीं हूँ तमाम सुख है तमाम सुख है तमाम दुख है सुख की यह नमूद दुख है <laughs> दुख का ही वजूद दुख है आज जरा मैं उस वाले मूड पे चल रही हूं गुड यार मैं दोबारा से नहीं बड़ा मजेदार ये मैंने अभी अभी बैठे-बैठे बोला तो मुझे भूल गया गुड यार क्या बात है यार क्या बात है कह दिया और भुला दिया कह दिया और भुला दिया कह दिया और भुला दिया गुड यार मजा आया मेरे दोबारा आपसे मिलके लाइक यो, यो ब्रो यो ब्रो यो ब्रो यो ब्रो सीन ऑल राइट